हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि किस तरीके से आप पेटीएम पेमेंट गेटवे का यूज कर सकते हो किसी भी ऑनलाइन पेमेंट को रिसीव करने के लिए। चाहो तो आप वेबसाइट से कोई भी पेमेंट रिसीव करना चाहते हो, नहीं तो किसी भी लिंक के थ्रू आप पेमेंट रिसीव करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पास एक पेटीएम का पेमेंट गेटवे होना जरूरी है। आप कोई भी दूसरा अदर पेमेंट गेटवे यूज कर सकते हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप पेटीएम का पेमेंट गेटवे यूज कर सकते हो, इसका किस तरीके से अकाउंट बनाओगे, उसके बाद किस तरीके से आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा, और उसके बाद किस तरीके से पेमेंट आप रिसीव करेंगे वेबसाइट के लिए, नहीं तो किसी भी लिंक के थ्रू आप किस तरीके से पेमेंट रिसीव करोगे, इसकी लाइव प्रोसेस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जरूर इस वीडियो को कंप्लीटली पूरा देखो। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको अकाउंट बनाने के लिए इस तरीके से टाइप करना पड़ेगा पेटीएम गेटवे, नहीं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर आप क्लिक कर डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हो। ये पहली वाली वेबसाइट मिल जाएगी ऑनलाइन, जो गेटवे का ऑप्शन है पेटीएम का, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद इस तरीके से आपके पास वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, देख सकते हो। इस तरीके से बिजनेस paytm.com पेमेंट गेटवे की ये वेबसाइट है, आपको इसे ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास इस तरीके से आ जाएगा साइन इन और साइन अप का, तो आप ऐसे साइन अप का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना है, तो आपको अपना अकाउंट किस तरीके से यूज करना है, किसके लिए अकाउंट बनाना है, सबसे पहले चूज करना पड़ेगा। जैसे कि आप अपने वेबसाइट के लिए और ऐप के लिए पेमेंट रिसीव करना चाहते हो वेबसाइट से, नहीं तो ऐप से, तो आपके ये वाला ऑप्शन चुनना है, पेल वाला, ठीक है। नहीं तो अगर आप यहाँ से कोई भी स्टोर, नहीं तो शॉप के लिए पेमेंट रिसीव करना चाहते हो, तो सेकंड ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। उसके बाद इस तरीके से आपके पास आ जाएगा मंथली सेल वैल्यू कितनी होगी आपकी, वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ से देख सकते हो, इस तरीके से आप कोई भी चूज कर सकते हो। जैसे कि न्यू हो तो आप यहाँ से इस तरीके से चूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से कंपनी का नाम आपको देना है, अगर आपकी कंपनी नहीं है तो आप अपना खुद का नाम डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ से कॉन्टेक्ट पर्सन, या से आपको अपना खुद का नाम पूरा डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन है, एक ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अच्छे से डाल देना, और उसके बाद यहाँ से दे सकते हो, यहाँ से आपको इज योर वेबसाइट लॉग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यस आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट की यूआरएल डालनी है, और उसके बाद आपको नीचे आना है, पर आपको इतने ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आप लास्ट वाला चूज करोगे। अगर आपके पास कोई भी कंपनी नहीं है ना, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं लगता कि हम इसमें आते हैं, तो आप यहाँ से जो अनरजिस्टर्ड का ऑप्शन है आप इसे सिलेक्ट करोगे, देन सबमिट का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करोगे। बाद आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक हियर का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना पेटीएम नंबर डालना है, उसके बाद पेटीएम का पासवर्ड है वो डालकर आप यहाँ से साइन इन करोगे, और चाहो तो आप यहाँ से डायरेक्टली क्यूआर कोड स्कैन कर भी यहाँ से लॉग इन हो सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से मैं लॉग इन हो जाता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो मैं लॉग इन हो चुका हूँ। उसके बाद इस तरीके से आपके पास ओपन होकर आ जाएगा, चाहो तो आप अपने अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हो। पर क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आपके पास नजर आ जाएंगे, क्विक पेमेंट लिंक, यानी कि आपको एक लिंक दी जाएगी और उस पर आप जितने भी अमाउंट सेट करोगे उतना पेमेंट आपको यहाँ पर रिसीव होता जाएगा। इस तरीके से अनलिमिटेड टाइम आप अनलिमिटेड पेमेंट रिसीव कर सकते हो। सिर्फ आपको पेमेंट रिसीव करना है तो आप इसको सिलेक्ट करोगे, ठीक है। नहीं तो अगर आपको पेमेंट के साथ दूसरी डिटेल भी आपको कलेक्ट करनी है तो आप ऐसे इसे सिलेक्ट करोगे, तो आप पर डिपेंड है। अगर आप ऐसे इसे सिलेक्ट करोगे तो इस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। सबसे पहले पर्पस आपको डालना है, किसके लिए आपको ये पेमेंट रिसीव करना है। जैसे कि मैं यहाँ से एक टेस्ट सेल कर यहाँ से पेमेंट रिसीव करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं टेस्ट उसे नाम दूंगा। उसके बाद कितना अमाउंट मैं रिसीव करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं 40 रुपीज ऐसे रिसीव करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे 40 डालूंगा। उसके बाद पर्पस, उसके बाद अमाउंट, उसके बाद अगर आप ऐसे एसएमएस से नोटिफाई आप करना चाहते हो, नोटिफिकेशन देना चाहते हो, तो आप एसएमएस से ईमेल से नोटिफिकेशन दे सकते हो। उसके लिए आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा जिसे नोटिफिकेशन देनी है, तो ठीक है। तो इस तरीके से आप टिक मार्क लगा सकते हो, अदरवाइज हटा सकते हो। उसके बाद जैसे क्रिएट पेमेंट लिंक का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद जो पेमेंट लिंक है आपकी कनेक्ट हो जाएगी। चाहो तो क्यूआर कोड की मदद से भी पेमेंट रिसीव कर सकते हो। तो चलिए मेन बात पर आते हैं कि किस तरीके से अब आपको अपने वेबसाइट के लिए पेमेंट गेटवे के लिए आपको यहाँ पर लिंक जनरेट करनी है, यानी कि पेमेंट गेटवे क्रिएट करना है वेबसाइट के लिए, ठीक है। वेबसाइट से आप किस तरीके से पेमेंट रिसीव कर सकते हो, उसके लिए मैं आपको अपनी एक डेमो वेबसाइट आपको ओपन करके दिखा देता हूं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आना है आपको प्लगइन वाले ऑप्शन पर, ठीक है। प्लगइन पर आप जाओगे और पेटीएम की जो प्लगइन है आपको उसे यूज करना है। जैसे कि आपको पता ही होगा आपको यहाँ पर एक प्लगइन की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको सर्च करना है, यहाँ से सबसे पहले एड सर्च करना है पेटीएम, ठीक है। तो आपको पेटीएम सर्च करना है और उसके बाद ये वाली प्लगइन आपको यूज करनी है, जैसे कि देख सकते हो।
पेटीएम पेमेंट गेटवे, ठीक है, और इसे आपको इंस्टॉल कर एक्टिव करना है। और उसके बाद आपने जो भी दूसरी प्लगइन यूज किए, जैसे कि ई कॉमर्स आप ऐसे देख सकते हो, अगर आप इसे यूज करते हो तो आपको पेटीएम वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो कहाँ पर दिखेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको इसे ओपन करना है, सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग पर आपको जाना है, और उसके बाद यहाँ से देख सकते हो आपको अपने हिसाब से करना है, जो भी आपने पेमेंट गेटवे के लिए प्लगइन यूज किया है उस पर जाकर आपको सेटिंग पर जाना है, ठीक है। जैसे कि ई कॉमर्स मैंने यूज किया तो मैं इसके सेटिंग पर जाऊंगा, और उसके बाद यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन होगा, यहाँ पर देख सकते हो पेमेंट का ऑप्शन है, तो पेमेंट में इस पर क्लिक करूंगा, और उसके बाद इस तरीके से पेमेंट गेटवे नजर आ जाएंगे, इनके थ्रू मैं यहाँ से पेमेंट रिसीव कर सकता हूँ वेबसाइट के थ्रू। तो हम जैसे यहाँ से प्लगइन एक्टिव करेंगे तो यहाँ से देख सकते हो नीचे भी दूसरे पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, चाहो तो इनकी मदद से भी आप ऐसे पेमेंट रिसीव कर सकते हो, जैसे प्लगइन आप यूज करते हो तो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। जो भी आपको एक्टिव करना है इसे आपको सिलेक्ट कर एक्टिव कर देना है, जैसे कि इंस्टॉल हो जो, उसके बाद ऐसे पेमेंट यहाँ पर पेटीएम पेमेंट का ऑप्शन है, जैसे मैंने इसे एक्टिव कर दिया है, ठीक है। उसके बाद ऐसे मैनेज का ऑप्शन है, मैनेज आपको इस पर क्लिक करना है। अभी हम पेटीएम के बारे में बात कर रहे हैं तो हम पेटीएम को यहाँ पर मैनेज करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक्टिव करने के लिए यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर आप अपना डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो कुछ भी, उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ भी करना नहीं, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि टेस्ट कर रहे हो या नहीं। टेस्टिंग अगर आप कर रहे हो तो आप यहाँ से इसे सिलेक्ट करेंगे, अगर आप डायरेक्टली एक्चुअल में ऐसे यानी कि बेच रहे हो, ठीक है, यानी कि आपकी टेस्ट हो चुकी है तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप इसे सिलेक्ट करते हो तो डायरेक्टली आपका पेमेंट यहाँ से चालू हो जाएगा। अभी आपको अगर टेस्ट करना है तो आप यहाँ से टेस्ट मोड पर सेट करोगे, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ से टेस्ट के लिए सेट कर दिया है, उसके बाद आपके पर टेस्ट और प्रोडक्शन या पर MID पूछा जा रहा है, तो ये आपको कहां पर मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले पेटीएम का अकाउंट फिर से ओपन करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ से देख सकते हो यहाँ से डेवलपर सेटिंग का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से देख सकते हो एपीआई की का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। अभी इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो दो ऑप्शन आपके पास नजर आ जाएंगे, टेस्ट एपीआई और साथ ही प्रोडक्शन एपीआई, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन अगर आप टेस्ट नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली इस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ से देख सकते हो आपको मर्चेंट आईडी मिल जाएंगी, ठीक है। मर्चेंट आईडी आपको मिल जाती है यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से। तो अभी आपको यहाँ पर पूछा जा रहा था, देख सकते हो यहाँ पर आपको सबसे पहले थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ से MID, ठीक है, तो ये कहाँ पर मिलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक्सप्लोर ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। हम यहाँ से एक्सप्लोर का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, चाहो तो आप डायरेक्टली इसे भी यूज कर सकते हो, जैसे कि देख सकते हो यहाँ से प्रोडक्शन, ठीक है। तो अभी हम इसे देख लेते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन बताई दी जाएगी, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ से एक्टिव अकाउंट फॉर यहाँ से देख सकते हो वेबसाइट एंड ऐप, इस पर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। आपको अपना फुल नेम डालना है, जो भी आपका लीगल नेम है वही आपको फुल नेम आपका अच्छे से डाल देना है, ठीक है। और इस तरीके से मैं अपना नाम डाल रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से नाम होने के बाद मोबाइल नंबर ऑलरेडी रहेगा, और उसके बाद ईमेल आईडी भी ऑलरेडी आपका रहेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से वेबसाइट और ऐप को आपको बताया जा रहा है, तो आप अपनी वेबसाइट की लिंक ऐसे कॉपी पेस्ट करोगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से लिंक को सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ से जाएंगे यहाँ पर लिंक कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको सबमिट का ऑप्शन है, आप सबमिट इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से बताया जा रहा है कि आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ से रिसीव हो चुकी है, और जैसे आपका अकाउंट यहाँ से रेडी हो जाता है पेमेंट रिसीव करने के लिए, उसके बाद आपको अपने SMS के थ्रू यहाँ से आपको बताया जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी कॉन्टेक्ट करना हो, कुछ भी दूसरी इंफॉर्मेशन आपको निकालनी हो, तो आपको यहाँ पर एक ईमेल आईडी मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, इस तरीके से आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी आपको काम करना है, थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद जैसे आपका अकाउंट ऐसे एक्टिव हो जाता है तो उसके बाद आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो चलिए अब दूसरी प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर से आप यहाँ से डेवलपर सेटिंग पर जाकर यहाँ से एपीआई की का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो टेस्ट मोड का ऑप्शन है यहाँ से देख सकते हो, टेस्ट और प्रोडक्शन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जनरेट नो का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। अभी आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, जैसे आपका अकाउंट ऐसे एक्टिवेट हो जाता है तो उसके बाद आपको यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको सिंपल अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर आना है, उसके बाद यहाँ से देख सकते हो यहाँ से आपको ये आईडी मिल जाएगी, MID, और उसके बाद यहाँ से सीक्रेट की भी मिल जाएगी, और उसके बाद आप यहाँ से जिस भी वेबसाइट के लिए, जैसे कि वेबसाइट उसके बाद और डिफॉल्ट उसके बाद इस तरीके से जो है वेब स्टार्टिंग इस तरीके से, तो जिसके लिए भी आप ऐसे यूज करना चाहते हो वो सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद सीक्रेट की और MID डालकर आप ऐसे जो लास्ट वाला ऑप्शन है यहाँ से नीचे डायरेक्टली यहाँ सेव सेटिंग का, उस पर आपको क्लिक करना है, देन ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीटली प्रोसेस है वेबसाइट पर पेमेंट रिसीव करने के लिए। तो आप ही ऐसे अप्लाई कर देख सकते, तो अभी आपको यहाँ पर मिलता है या नहीं आप पर डिपेंड है, आपकी पेमेंट प्रोफाइल किस तरीके से है, तो एक बार ट्राई कर देख सकते हो। तो अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन हो, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप ऐसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट।